हाउ आर यू, होप यू ऑल आर फाइन। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पेंट बकेट टूल के बारे में। अब इंक बॉटल टूल क्या है? इंक बॉटल टूल इज यूज टू चेंज द स्ट्रोक कलर विद एंड स्टाइल ऑफ लाइन आउट लाइन ऑफ द शेप्स। ठीक है, ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा? टूल में ही मिलेगा, इंक बॉटल टूल। इसको भी उसी तरीके से यूज़ करते हैं। ये इसमें हम लोग इसका विथ और ये आउटलाइन ये सब चेंज कर सकते हैं, बाहर का जो शेप है। ड्रॉ दी ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन इंक बॉटल टूल, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसके कलर थिकनेस को चेंज कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर इसके लाइन पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहाँ पर आके क्लिक कीजिएगा तो वो चेंज हो जाएगा उस कलर में। डेको टूल, डेको टूल जो है इसके नाम, ये डेको का क्या मतलब है? डेकोरेटिव, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये इसका। इसका मतलब ये है कि जो भी हम ड्राइंग बनाएंगे उसके अंदर हम लोग कुछ इफेक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग डेको टूल कहते हैं। देखिए इसमें इफेक्ट्स कैसा होगा, सच एज टेक्सचर डाल सकते हैं, पैटर्न, सिमेट्रिकल ड्राइंग, ठीक है, ये सब चीज़ें हम डाल सकते हैं इसमें। यू कैन अप्लाई सीवरल इफेक्ट, कई सारे इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि इसमें वाइन, ये सब दिया रहेगा आप लोगों को। ग्रिड, सिमेट्री ब्रश, 3D बिल्डिंग ब्रश, डेकोरेटिव फायर एनिमेशन, ये सब चीज़ें ऑलरेडी इसमें है, आप इसको इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यही हमारा डेको टूल होता है। यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे डेको टूल को यूज़ किया तो यहाँ पे दिख रहा है ना, विविड फिल, ग्रिड फिल, सिमेट्री और ये सारे ऑप्शन है। इसको आप यूज़ करके इसके अंदर इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। तो यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए इस तरीके से, बन गया। अब जाइए डेको टूल पे, टूल पैनल से, फिर वहाँ पे जो भी इफ़ेक्ट है आप उसको यूज कीजिए, उसका इफ़ेक्ट आपको इसके अंदर दिखने को मिल जाएगा। तो ये होता है डेको टूल। अब यहाँ पर इसने यही किया है, इसमें लेके इसने एक शेप लेके डिज़ाइन लेके डाल दिया है। अब ये इसके अंदर इसका क्या हो गया, डिज़ाइन आ गया है खूब सुंदर सा। तो इस तरीके से हम लोग डेको टूल को यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में लो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन पढ़ा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।